सत श्री अकाल सारिआं नूं। मेरा नाम है जसविंदर कौर और मेरे चैनल का नाम है जसविंदर कौर की दुनिया। आज मैंने आप ये देखो मैंने क्या सामान लेके रखा हुआ है। मेरे पास आज मैं बनाने जा रही हूँ सांभर, वो भी बहुत आसान तरीके से। किसी को लगता है ना कि सांभर बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है सांभर बनाना, बल्कि बहुत आसान है। मैं आपको बहुत आसान और बहुत कम चीज़ों से सांभर बनाना सिखाती हूँ गाइस। इसमें मेरे को बैंगन, जो बैंगन नहीं होते ये वाले बैंगन, लंबे वाले बैंगन, ये लेने हैं, और प्याज, घिया और पेठा, सो क्या बोलते हैं कद्दू बोलते हैं, पेठा बोलते हैं, वो लेना है। और इसमें अरहर की दाल लगेगी, अरहर की दाल डालनी है, और सब्जी, प्याज, और इसमें देखो अभी मैं सामान बता देती हूँ आपको क्या क्या यूज़ करना है। इसमें लंबे बैंगन, प्याज, घिया, कद्दू और अदरक, हरी मिर्च, बस इन चीज़ों का यूज़ होना है। पहले इसको सब चीज़ों को काट लो, काट के फिर मैं आपको बताती हूँ कि गाइस आगे जाके हम सब्जी कैसे बनाएंगे सांभर की। तो प्लीज़ अभी दो मिनट बाद मैं दोबारा सब्जी काट के दोबारा मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जी में मैंने बैंगन, कद्दू, टमाटर, लंबे बैंगन और घिया, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, मिक्स सब्जी मैंने काट के और बीच में प्याज काट दिया मैंने, ठीक है गाइस। अभी अरहर की दाल है, अब अरहर की दाल को मैं थोड़ा सा धोऊंगी। और गाइस बहुत आसान है ये सांभर बनाना, तो मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन स्टेप। जैसे कि आप देख लीजिए गाइस, ये दाल है, दाल को मैं धोके, दाल को धो के फटाफट अच्छे से, कुछ भी नहीं करना गाइस। देखो हमने ये कुकर रख दिया, उसके बाद हमने ये सब्जी, जितने भी सब्जी थी हमारी, सारी सब्जी इसको कुकर में डाल देंगे गाइस। कुछ भी नहीं करना इसमें, बहुत इजी है सब चीज़ें। इसमें हम सारी सब्जियां इसमें डाल रहे हैं, ठीक है गाइस। सब्जी हम डाल देंगे, सब्जी आपकी मर्जी, थोड़ी डालो ज़्यादा डालो, पर सब्जी जितनी ज़्यादा, जैसे बच्चे घिया नहीं खाते तो घिया चला जाता है अंदर, बैंगन भी कई बच्चे नहीं खा पाते, कद्दू नहीं खाते, तो सांभर बनाने से ये फ़ायदा है कि बच्चे सांभर के चक्कर में सब्जी अंदर बच्चों के खा लेते हैं, बच्चे खा और इंजॉय करते हैं, और बच्चों पता भी नहीं चलता कि इसमें क्या। अब ये गाइस दाल है, दाल को इसमें डाल देंगे, जो है गाइस इसमें दाल है, अब इसमें हम दाल डाल देंगे गाइस, ठीक है गाइस। अभी दाल डल गई, अब इसमें हमने क्या डाला है पहले ध्यान से देखना आप। ये मैंने सांभर बना दिया, सांभर में अब देखना क्या करना है, मैं ध्यान से देखना, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। पहले सब्जियों को काट दिया सारा, अब इसमें अंदर हमने सांभर डाल दिया गाइस। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी गाइस, पानी अपने हिसाब से डालना। अगर आपने गाढ़ा खाना है तो थोड़ा पानी डालना, ज़्यादा खाना है, पतला खाना है तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालो गाइस। मैंने इतना पानी डाल दिया ताकि सीटियाँ भी लगनी है गाइस, ठीक है गाइस। अब हम इसमें एक डालेंगे टमाटर, पहले हम इसको हिला लेंगे अच्छे से, इसको हम हिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, अब टमाटर लेके आते हैं। लंबे बैंगन डाले थे और अरहर की दाल डाली, प्याज डाली, हरी मिर्च डाली और टमाटर भी अब डाला है। तो गाइस सारी सब्जियां जितना भी हमने डालना है एक ही बार हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हम थोड़ी सी हल्दी और नमक, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के इसको सीटी लगवाएंगे, सीटी लगवाएंगे गाइस। अब देखो अब इसमें मैंने सारी सब्जी डाल दी, और अब इसमें हम नमक डाल देंगे गाइस। देखो हमने नमक डाल दी, और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी आपकी मर्जी है, थोड़ी डालो ज़्यादा डालो, तो जिसे जैसे कलर खाना तो उस हिसाब से अपना ना हल्दी डाल देते हैं इसमें गाइस, ठीक है गाइस। इसमें मैंने हल्दी डाल दी है, अब इसको हमने कुछ नहीं करना, अब इसको सीधे हमने सीटी लगवानी है गाइस। अब हम इसको सीटी लगवाएंगे गाइस, और इसको हम ढक्कन लगा देंगे और सीटी लगा देंगे गाइस। अब इसको कम से कम चार या पांच सीटी कम से कम आ जाए, मतलब कम से कम चार सीटी आने के बाद इसको देख लें खोल के कि सब्जी कैसी है। उसके बाद हम अगर कच्ची है थोड़ी सी, मतलब दरदरी, मतलब बिल्कुल ब्रीक नहीं, तो दो सीटी और लगा देंगे, अदरवाइज चार सीटी आने के बाद इसको चेक करेंगे। और बाय, अब मैं उसके वड़े की तैयारी कर रही हूँ, और जैसे ही मैं आपके वड़े की तैयारी करूँगी मैं आपको दिखाऊंगी वड़े कैसे बनते हैं।
गाइस अब हमने सब्जी रख दी थी सांभर बनाने के लिए, दाल रख दी हमने, और अब हमने बनाने वड़े। वड़े बनाने के लिए हमने दाल को, ये वाइट वाली धोते माँ दाल, धोते की दाल है, और इसको हमने सुबह 8 बजे भिगो दी थी, और अब टाइम हो रहा है 3:30-4 बज रहे हैं। तो गाइस इसको कम से कम 5-6 घंटे भिगो के रखनी है दाल को। मैंने दाल को भिगो के अच्छे से मैंने पानी निकाल लिया गाइस। अब इसमें हम पानी डालेंगे, ओ सॉरी सॉरी, दाल डालेंगे। दाल डाल के इसको हम अच्छे से, जग मेरा बड़ा है तो सारी दाल गट्ठी आ जाएगी, और अगर आपका जग छोटा हो तो आप 2 बारी में करके इसको पीस सकते हो गाइस। और ये देखो गाइस, अब इसको सारा इसको हमने इसमें डाल देना है गाइस। ये मैं अब डाल दिया मैंने इसको सारी दाल। देखो गाइस पानी बिल्कुल नहीं डालना, जरूरत होगी तो एक आधा चम्मच हम पानी डालेंगे, अदरवाइज हमें पानी की जरूरत नहीं है गाइस। ये देखो गाइस अब इसमें डाल दिया। अब हम इसमें एक डाल देंगे, दो डाल देंगे हरी मिर्च, ठीक है गाइस, और थोड़ी सी डाल देंगे हम अदरक, और थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक बस, और कुछ नहीं डालना गाइस। उसके बाद अब इसको हम पीस लेंगे। गाइस ये मुझे थोड़ी सी इसकी पिट्टी गाढ़ी लग रही थी, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पानी हमें डालना पड़ेगा, तो ज़्यादा नहीं। देखो गाइस मैं कितना पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा सा इतना पानी डालना बस, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारा पिट्टी बनेगी नहीं, और पिट्टी अगर ज़्यादा पानी डालेंगे वो ढीली हो जाएगी, और वो गाइस अब ये पिट्टी बन रही है। अब इसको थोड़ा सा चमचे चम्मच से आगे पीछे हिला लेंगे, ताकि नीचे की ऊपर ऊपर की नीचे आ जाएगा, इसको ऐसे ऐसे हिला लेंगे। देखो गाइस हरी मिर्च डाल दी पीसे और नमक। अब इसमें थोड़ा सा डालिए काली मिर्च, ज्यादा से थोड़ी सी डालेंगे, ताकि थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाए इसमें। और अब डालेंगे थोड़ा सी जीरा, ठीक है गाइस, जीरा डाल दिया, और अब इसको अच्छे से हिलाएंगे, और एक ही डायरेक्शन में हिलाने, ज़्यादा जोर वो नहीं करना। ये देखो गाइस जोर से हिलाना है, ताकि फ्लफी फ्लफी बन जाए बिल्कुल, बिल्कुल अपनी बिल्कुल। देखो ऐसे जोर जोर से हिलाना, एक ही साइड चेंज नहीं करने गाइस, ऐसे ऐसे इसको हल्के हल्के, थोड़ा मेहनत लगती है, कम से कम 5 मिनट लगेंगे इसको हिलाएंगे ऐसे गाइस, हिला के इसको वड़े, इसको हम कम से कम 10-15 मिनट ढक देंगे, और उसके बाद हम वड़े बनाएंगे, जितनी देर में हमारे सांभर को भी सीटी लग जाएगी गाइस। तो अब इसको हम बॉल में निकालेंगे, और इसमें बॉल में निकालने के बाद इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, और थोड़ा सा हम डालेंगे जीरा बस, और कुछ नहीं करना इसको। देखो गाइस अब इसमें हम डालेंगे इसमें हम निकालेंगे, ये मैंने 250 ग्राम दाल की भिगोई थी, क्योंकि इसके साथ हमें चावल ज़्यादा पसंद है, तो थोड़े थोड़े बड़े खाएंगे, उसके बाद थोड़े से हम इसके सांभर के बाद, ये बड़े के बाद हम थोड़े से वो निकाल लेंगे चावल। अभी ऐसे निकलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा वो हो गया, इसको हाथ से ही निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा थिक ही बनाना होता है, क्योंकि हम वैसे बनाएंगे तो कभी नहीं बनेगा हमारा, तो इसको थिक ही रखना है, क्योंकि हम पतला रखेंगे तो ये बड़े बनेंगे नहीं। तो ये गाइस इसको ऐसे ही करके अब आराम से निकालना पड़ेगा, और इसको इसको अच्छे से मलना पड़ेगा, बंद कर दे। मैंने हरी मिर्च डाल दी पीसे और नमक। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे काली मिर्च, ज़्यादा से थोड़ी सी डालेंगे, ताकि थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाए इसमें। और अब डालेंगे थोड़ा सी जीरा, ठीक है गाइस, जीरा डाल दिया, और अब इसको अच्छे से हिलाएंगे, और एक ही डायरेक्शन में हिलाने, ज़्यादा जोर वो नहीं करना।
ताकि फ्लफी फ्लफी बन जाए बिल्कुल। बोलो बिल्कुल अपनी बिल्कुल, देखो ऐसे जोर जोर से हिलाना, एक ही साइड से, साइड चेंज नहीं करनी गाइस, ऐसे ऐसे इसको हल्के हल्के, थोड़ा मेहनत लगती है, कम से कम 5 मिनट लगेंगे इसको हिलाएंगे ऐसे गाइस, हिला के इसको वड़े, इसको हम कम से कम 10-15 मिनट ढक देंगे और उसके बाद हम वड़े बनाएंगे, जितनी देर में हमारे सांभर को भी सीटी लग जाएगी गाइस। तो अभी बन गई गाड़ी गाड़ी, ये देखो जब मैंने कहा था ना 4-5 सीटियाँ, तो 5-6 सीटी में हमारा बन गया था। अब इसके अंदर डालेंगे हम ये चटनी, जो मैंने इस चटनी में थोड़ा पानी डाल के सुबह रख दी थी, तो इसको ये सब्जी बन गई थी। देखो गाइस भाई फ्रेंड्स, ये सब्जी देखो हमारी बन गई है गाड़ी, इसमें मैंने 2-3-4-5 सीटियाँ लगी है बस, ज़्यादा नहीं। ये मैंने इमली भिगोई थी, इसको मैंने ऐसे इसकी गुठली निकाल दी है, और ये देखो गाइस इसकी लाइट बढ़ा लाइट इसको करके इसमें ना चटनी डाल देंगे। गाइस देखो इसमें डाल दी मैं चटनी, इसमें मैंने ये देखो गाइस इसमें डाल दी चटनी, अब इसमें डालेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रजीत मुखी है। और आपके यहाँ क्या क्या मिलता है? मेरे यहाँ ऑल होम अप्लायंसेस आइटम मिलती हैं। अच्छा। और बिल्कुल रिजनेबल रेट में हम देते हैं। अच्छा, हर तरह के बर्तन और हर तरह की सारी। आपकी शॉप है कहाँ पे? ये मेरी शॉप है K7 केवल पार्क एक्सटेंशन। अच्छा। नियर गढ़वाल बेकरी सिसोदिया ढाबा के सामने, आदर्श नगर मेन रोड पे। अच्छा जी। और प्राइस? बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है, हम सिर्फ 4-5% का मार्जिन पे काम करते हैं कि कस्टमर बने और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो, इसलिए हम बिल्कुल ओरिजिनल और बढ़िया आइटम बेचते हैं। और क्वालिटी? क्वालिटी एक नंबर की है जी, आप देखिए सारे ब्रांडेड आइटम है, पूरी गारंटी है। अच्छा, कस्टमर की ऑन साइड गारंटी वारंटी देते हैं गाइस। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं भी सांभर वड़ा बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मेकर वड़ा लेके आए, बट मैं इनकी दुकान पे आई तो मुझे खैर मेकर तो नहीं मिला, बट मैंने और शॉपिंग करी है बर्तनों की, बर्तन लिए मैंने, चम्मच लिए हैं और सामान लिए है, और इनके रेट इतने अच्छे हैं कि मुझे लगता नहीं कि पूरे आदर्श नगर में इससे कम प्राइस में कोई सामान दे पाएगा। इनको देखो शॉप दिखा रही हूँ आपको गाइस, ये इनके भैया हैं जो इनके साथ हेल्प कराते हैं, और इनके मुझे आए करो आए, और ये शॉप मुझे सच्ची में बताऊँ सीरियसली मुझे बहुत अच्छी लगी ये शॉप, और ये पूरा मैं सामान आपको दिखाती हूँ गाइस, पूरा दुकान भरी पड़ी है इनकी। और ये देखो गाइस ये भैया हमारे, भैया अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम करणदीप है जी, और यहाँ आपको होलसेल में रेट मिलेगा, जो भी आप लोगे ना पूरी इंडिया की गारंटी है आपको, जो भी डिस्काउंट आपको मिलेगा यहाँ और इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। और आपका एड्रेस क्या है? ये केवल पार्क है, K7 दुकान है, सिसोदिया ढाबे के सामने है ये शमशान घाट रोड पे। और अच्छे से मैं बताऊँ ये भैया बहुत अच्छे से डील करते हैं, जिन्हें सामान नहीं मिले ना वो भी लेके जाएगा, ये गारंटी है मेरी। और ये देखो गाइस मैं शॉप आपको इनको दिखा देती हूँ, बच्चों की बोतलें लेनी हो वाटर की, ये देखो सामान सारा इन्होंने, डिनर सेट भी है इनके पास, बल्कि मैं इनसे पोछा ले गई थी तो मेरा इतना अच्छा पोछा लिखा, और रेट बोलते हैं मैं तो ले जाती हूँ अपने हिसाब से जो कहती हूँ, रेट पहले इनके बहुत कम होते हैं तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती इनको रेट की। तो गाइस देखो ये सरदार जी साथ आए हैं, देखो हाय करो हाय। ये होलसेल की दुकान है, ये होलसेल की दुकान है आदर्श नगर में, रेट पे सामान मिलता है यहाँ पे। हाँ तो चीज़ अच्छी मिलती है यहाँ पे, आप भी लेते हैं यहाँ से आके? अच्छा, और आप फैमिली का सामान जाता है यहाँ से? अच्छा, शादी का भी सामान जाता है हमारे यहाँ से? अच्छा, काफी शादी में सामान गया नहीं, मैंने पिछली दिवाली पे मैंने ली थे सामान, मेरे को तो अच्छा लगा, बट एक बार दोबारा आ गए, मैंने कहा चलो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, बट लेने कुछ और आई थी और ले काफी सारा सामान। देखो गाइस ये बर्तनों का सेट ले लिया मैंने, चम्मच है, प्लेटें हैं, काफी कुछ मैंने ले लिया जो मुझे समझ आया था। ओके खर्ची ला ली। 4:30 बजे अपना बड़े बनाने लगी थी, तो बड़े बनाने लगी तो मैंने बस मैंने उसको उबाल लिया था, तड़का लगाने लगी, तो सरदार जी कहते हैं जैसे प्रॉपर ऐसे बड़े बनते हैं ना, प्रॉपर ऐसे बड़े बने तो गाइस जूम कर, ऐसे बड़े बने होने चाहिए, तो मैं मुझे ऐसे बड़े नहीं बनाने आते, मैं तो ऐसे ऐसे जैसे पकौड़े तलते हैं मैं वैसे बना दूंगी। कह रहे चला मशीन लेने आते हैं, मैंने कहा ऑनलाइन हम ऑर्डर कर देंगे, बट सरदार जी कहते चला मार्केट में पता करके आते हैं कि मिलता नहीं मिलता, तो हमने कहा चलो चलते हैं पता करके आते हैं, तो हमारी सब्जी भी खत्म हो गई थी तो सब्जी लेने गए हम, तो मैं आते हुए मैंने कहा चलो देखते हैं, तो ये मैं अपने मार्केट से ये मेरे को मिल गया। मैंने 3-4 दुकानों में ट्राई किया बट नहीं मिला, एक शॉप पे मैंने थोड़ा सामान लिया है अपने कृषि फ्रेंड के लिए, सामान लेना था मुझे तो मैंने सामान लिया उनके लिए, बट वहाँ पे मैंने इसको पूछा बर्तन ही लिए, बट मैंने पूछा कि ये है तो उन्होंने मेरे किसी और शॉप से। बोलो गाइस मैं बड़े बना कर देखूंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए,
मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी कैसा लगा कैसे लगा। तो गाइस ये ऐसे देखो, मुझे लगता है ऐसे करके इसको ऐसे यूज करते हैं। मैं एक बार यूज करके दिखाऊंगी, मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो गाइस भी मेरी कड़छी टूट गई थी तो ये कड़छी भी मैं लेके आई हूँ गाइस। तो इन्होंने बड़ी लेके दी, कहते हैं कि अगर थोड़ी सब्जी तो बन जाएगा, बड़ी तो बड़ी में भी काम आ जाएगा। तो ये गाइस मेरे को बहुत दिन से पड़ी थी, टूटी हुई थी थोड़ी सी, मैंने देखा होगा थोड़ी सी यहाँ से खराब हो रही थी, तो ये नहीं लेके आई। तो मैंने फिर वहाँ देखा कि ये नाइफ पड़ा हुआ था। तो ये नाइफ मैं इसलिए आपको रिकमेंड करती हूँ लेने के लिए कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो फटाफट जैसे छोटे बच्चे चलना शुरू करते हैं तो वो नाइफ पकड़ लेते हैं। तो हमें हमेशा ये कवर वाला नाइफ देखो गाइस, ये देखो कवर वाला नाइफ, इसको देखो मैं ऐसे खोला और ये गाइस देखो ये हो गया। तो उसके बाद हमने यूज़ किया इसको, देखो ऐसे गाइस, इसको हम ऐसे कवर लगा देंगे ताकि बच्चे अगर पकड़ भी ले तो उनके हाथों को हार्म ना हो, बिल्कुल हाथ कटे ना उनके। तो गाइस ये ले लेना, ये आपके बहुत काम आएगा, छोटे बच्चे जिनके घर में हैं, बड़े उनके लिए सेफ्टी है, छोटे बच्चे हाई सेफ्टी। तो गाइस अब मैं बड़े बनाने जा रही हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे यूज़ किया, मैं भी करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी कि मैंने कैसे यूज़ किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था। ठीक है गाइस बाय, मैं आपको 15 मिनट बाद लोग आपको मैं शक्ल दिखाऊँ। अभी हमने सिर्फ तड़का नहीं लगाया तो आप देखो लोग इसका शक्ल देखो कितनी अच्छी बनती है गाइस। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है गाइस। अब इसमें थोड़ा सा हमने ये कर लिया और ये हमारा तेल सड़ रहा था, इसमें से थोड़ा सा तेल ले लेंगे। ये लो गाइस, इसमें थोड़ा सा तेल ले लिया हमने और इसको हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। कुछ भी नहीं डालना इसमें, राई और कड़ी पत्ता डालेंगे और नमक मैंने पहले कम डाला था, अगर कमी पेशी नमक का होगा तो नमक हमारा यूज़ हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब ये देखो हमारा हो गया और अब ये हमारा तेल लग गया। तेल हमने इसमें डाल दिया था गाइस, सिर्फ 4 चम्मच डाला है ताकि थोड़ा रंगत आ जाए। ये थोड़ा सा जैसे ही हमारा तेल सड़ेगा उसके बाद हमें कड़ी पत्ता डाल देना गाइस। ये देखो राई डालेंगे थोड़ी सी, ये अब चटकेगी थोड़ी सी, अभी चटकना शुरू हो जाएगी, पत्ता डाल देंगे गाइस। देखो ये देखो अब देखो आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। अभी हम गाइस ये देखो दिखाओ, देखो गाइस ये देखो, ये देखो नज़र आ गया, ये कड़ाई पत्ता देखो करा रहा, अभी कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे, राई डाल दिया हमने इसमें, अब इसको बंद करके अब ये जो तड़का तैयार हो रहा है ना हमारा, ये लड़का हमारा तैयार हो रहा है ना, जो थोड़ा सा चटकेगा कि इसमें मैंने कड़ी पत्ता और राई डाल दिया, कुछ भी नहीं डाला मैंने। ठीक है, अब इसको मैंने चटक रहा है देखो तेल से, ये थोड़ा सा चटकेगा और उसके बाद फिर ये सांभर में डाल देंगे। और सांभर मेरे को थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा हम इसी में गर्म पानी में डाल देंगे, ज़्यादा गाढ़ा भी हमें सही लगता है गाइस। ये देखो गाइस इसमें भर देंगे, देखो अब इसमें भरने लगेंगे गाइस, आराम आराम से भरो, आराम से चम्मच करके भरो, सब भरना है। छोटा बर्तन ले लो, भरो उसमें, ये लो गाइस ये भर रहे हैं दादाजी, ये पूरा गन्ना भरना अंदर से भरना। देखो गाइस भर रहे हैं, देखो ये बना रहे हैं, देखो बड़े ऐसे बनते हैं, देखो गाइस देखो देखो गाइस देखो देखो, हाँ इधर पे करके बन रहे बड़े बढ़िया है कि दो गोल गोल शेप, देखो एक गोल गोल शेप आ रही है इनके, देखो बड़ों की दिखाओ इनको, बेटे को बड़ों की शेप गोल गोल आ रही है, मुझे तो सही लगा ये। तो एक तो बार मेहनत है फिर तो आदत बढ़ जाएगी, अपना सीधे बनाया डाला और बीच में अपना फटाफट बना लिया, मतलब एक आधा मैं भी करूँ। देखो गाइस बन रहे हैं, एक ही करके बन रहे हैं, अब दो दो इकट्ठे डालो बनेगा, एक दो इकट्ठे डालो बन रहे हैं, बन गया। Thank you.